हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके क्लास। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन द बुक एंड टुडे वी विल सी एक्सरसाइज, ओके, एंड व्हिच यू हैव टू डू इन द कॉपी, ओके। सो लेट्स सी, फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन फोर, सिटीज ऑन द रिवर बैंक्स, एंड इट्स फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। सो सी, फर्स्ट वन, Delhi and Agra are situated on the banks of this river. अपने कल देखा दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे पर बसे हैं ये दोनों शहर, तो ये यमुना नदी है, okay? So you have to write here Yamuna river, okay? See second one, Varanasi and Patna are situated on the banks of dash Holy River. आपको इसको ब्रैकेट में रखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लू दिया गया है Holy River, तो ये पवित्र नदी है। वाराणसी और पटना ये स्थित हैं इस नदी के किनारे पर, ठीक है? तो ये हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे ये दोनों शहर बसे हुए हैं, ओके। सी थर्ड वन, गुवाहाटी द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। गुवाहाटी जो कि आसाम का कैपिटल है, राजधानी है, वो स्थित है इस नदी के किनारे पर, ठीक है, गुवाहाटी। तो ये हमारा है ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी है, यू हैव टू राइट हियर ब्रह्मपुत्र, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, अंडरलाइन दिस। नेक्स्ट वन, जबलपुर अ सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का शहर है वो स्थित है इस नदी के किनारे, ठीक है, तो ये हमारी है नर्मदा नदी। नर्मदा और फिफ्थ वन, कटक अ सिटी इन उड़ीसा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। कटक जो कि उड़ीसा का एक शहर है वो इस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये कौन सी नदी है, महानदी, महानदी, सॉरी महानदी रिवर, ओके। And last one, श्रीनगर is situated on the banks of this river. श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये आपका है झेलम, ओके, झेलम रिवर। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क, ओके, इन द कॉपी, दिस एक्सरसाइज इन द कॉपी, ओके, थैंक यू।